श्री राम। आज फिर से हम मौजूद हैं एक महान शख्सियत श्री अनिल अरोड़ा जी, जो विश्व हिंदू परिषद के संपर्क विभाग के अध्यक्ष हैं और प्रमुख हैं उनके, और मेरा कर्तव्य संगठन जो एनजीओ है उनके भी अध्यक्ष हैं। जय श्री राम सर। जय श्री राम जी। अरोड़ा साहब, आपने एक ऐतिहासिक कार्य करने जा रहे हैं, कल का जो डेट रखी गई है 9 तारीख को दाना मंडी में, क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या उद्देश्य है उस कार्यक्रम का? 9 दिसंबर दाना मंडी में होने वाले ये जो विराट धर्म सम्मेलन का हमारा यही संदेश है कि ये जो राम मंदिर है ये 100 करोड़ हिंदुओं की भावनाओं और आस्थाओं का केंद्र है और इसको प्राथमिकता से नहीं ले रही है जी। तो ऐसे सोए हुए लोगों को जगाने के लिए, अपने हिंदू भाइयों को जगाने के लिए पूरे पंजाब में, क्या पूरे देश में जितने भी लोकसभा क्षेत्र हैं सभी में आज 9 दिसंबर के दिन विराट धर्म सभाएं हो रही हैं, जिसका मकसद शीघ्र राम मंदिर निर्माण करवाना है। अरोड़ा साहब, शंखनाद हो चुका है और बहुत सारे लोग पूरे देश में, अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग जिलों में, अलग अलग गाँव में ऐसे सम्मेलन आयोजन हो रहे हैं। लुधियाना क्योंकि पंजाब इकोनॉमिक कैपिटल मानी जाती है और रिलीजियस कैपिटल भी मानी जाती है, कैसा लग रहा है कि आपको कितने के लोग होंगे और क्या मैसेज जाएगा लोगों में, कैसी उनके अंदर उत्सुकता है? देखिए, पिछले 20 दिन से पूरे शहर में प्रभात फेरियां और संध्या फेरियां हो रही हैं, जिसमें लोगों का जो जन समर्थन है, जो उनका एक तरह के जो उनमें उत्साह देखा जा रहा है, उससे तो हमें यही लग रहा है कि ये जो हमारा विराट धर्म सम्मेलन हो रहा है ये लुधियाना के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा जो इस बार होगा। चलो अरोड़ा साहब, किन किन धार्मिक महापुरुष, संत महापुरुषों को आपने इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया, क्या उसमें लुधियाना के जो संत हैं, महात्मा हैं, लीडरशिप है, उनको भी आपने आमंत्रित किया? जी, वैसे तो आमंत्रण हमने हर वर्ग को किया है जी, कि सभी का, यहाँ पे जितने भी सनातनी लोग हैं, जितने भी हमारे सनातन धर्म को मानने वाले हैं, उन सभी को इसमें हमने बुलाया जी। और इसमें जो मुख्य रूप से आ रहे हैं वो है साध्वी सत्यप्रिया जी हैं जी, जो कि साध्वी रितंबरा दीदी की शिष्या हैं, और इसके साथ साथ स्वामी अतुल कृष्ण जी हैं, और साथ में चंद्रेश्वर गिरी जी, और हमारे प्रवक्ता इसमें रहेंगे कश्मीरी लाल जी, जो अपने विचारों से आए हुए सभी राम भक्तों का मार्गदर्शन करेंगे। सर, जो भारतीय जनता पार्टी है या जो हिंदू संगठन है वो पिछले लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं, और लेकिन उत्तर प्रदेश में सरकार भी है, केंद्र में भी सरकार है, क्या मानते हैं कि उनको भी पहलकदमी करनी चाहिए? जी, ऐसे है कि हमारा हिंदू समाज जो है इसने हमेशा ही संविधान की इज्जत की है और संविधान के अनुसार ही चले हैं, लेकिन हमारी जो कोर्ट है, कोर्ट ने ये एक नई बात कही है कि राम मंदिर निर्माण और राम मंदिर का जो केस है ये हमारी प्राथमिकता में ही नहीं है, तो ये दिखाने के लिए कि राम मंदिर से 100 करोड़ हिंदुओं की भावनाएं जुड़ी हुई हैं और ये कैसे आपकी प्राथमिकता में नहीं है, इसीलिए हमने ये शखानंद किया है जो पूरे देश में इस टाइम चल रहा है। लोगों में बहुत उत्साह है, लोगों की लगातार खबरें प्रकाशित हो रही हैं, कैसा लोगों में रुझान कैसा है इन कार्यक्रमों को देख के? जितने भी स्नातनी हैं इनमें बहुत ज्यादा उत्साह पाया जा रहा है जी। और मुझे नहीं लगता कि अब जो शंखनाद हुआ है जी, ये बिना मंदिर निर्माण के रुकेगा। कि 2 दिसंबर को दाना मंडी में मोहम्मद जी का वहां पे जन्मदिन मनाया गया जी, जिसमें बहुत ही हजारों की संख्या में मुस्लिम भाई थे वहां पे जी, और उसके बारे में जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुस्लिम भाईचारे में जितने भी लेबर क्लास लोग हैं, जैसे कोई पेंट का काम कर रहा है, कोई नाई का काम कर रहा है, कोई पंक्चर लगा रहा है, कोई फैक्ट्रियों में जॉब कर रहा है जी, चाहे किसी की अपनी फैक्ट्री है, चाहे कुछ भी है जी, उन सभी ने इस कार्यक्रम के लिए 2 दिन पहले अपने अपने सबने काम बंद कर दिए थे जी, और सभी एकजुट होकर उस कार्यक्रम में पहुंचे थे जी, जो कि एक विशाल रूप उसने धारण कर दिया था जी। तो मैं अपने सभी सनातनी भाइयों से ये विनती करूंगा कि कल इतवार है, सुबह 11 से 1 बजे का टाइम है, तो कृपया हमें भी ये एकजुटता दिखानी है, अपनी जिंदगी के सिर्फ 2 घंटे निकालिए और कल होने वाले विराट धर्म सम्मेलन में जरूर आइए
और वहां आते संतों के प्रवचन सुन के और राम जी का आशीर्वाद लेके राम मंदिर निर्माण में अपना बहुमूल्य योगदान दीजिए।